हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस आज का वीडियो जो है अपनी कार शेवरलेट बीट डीजल के पीसीबी फिल्टर के ऊपर होने वाला है। सो गाइस बहुत लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में पीसीबी फिल्टर होता क्या है, और अगर पीसीबी फिल्टर को टाइम से अगर आप रिप्लेस ना कराओ तो ये शेवरलेट बीट डीजल के इंजन में जो है कितना बड़ा प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट कर सकता है। सो गाइस आज वीडियो में जो है आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि पीसीबी फिल्टर होता क्या है, उसको जो है कितने किलोमीटर्स पे चेंज कराना चाहिए, और अगर आप उसको टाइम पे चेंज नहीं कराओगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके कार में आपको जो है देखने मिल सकता है। तो गाइस सबसे पहले आपको एक शॉर्ट क्लियर कर दूं कि अगर पीसीबी फिल्टर आप टाइम से चेंज नहीं कराते हो तो ये आपकी कार के जो इंजन को जो है पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। सो गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की नई नई वीडियोस लाते रहता हूँ। सो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पीसीबी फिल्टर जो है एक्चुअल में हर कार में दिया होता है, लेकिन गाइस हर बाकी कार में क्या होता है कि पीसीबी फिल्टर जो है एक वॉल्व की तरह काम करता है, जो कि आपको जो है कभी भी इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शेवरलेट बीट डीजल में गाइस एक अलग सा जो है ये पीसीबी फिल्टर दे दिया है, उसको क्या है आपको जो है टाइम टू टाइम रिप्लेस कराना पड़ता है। अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं कराओगे तो शेवरलेट बीट का जो है इंजन जो है बैक कंप्रेशन मारने लग जाता है, मतलब कि जो है ऑयल के डिपस्टिक से और जहाँ पे हम लोग ऑयल जो है फिल करते हैं वहाँ से जो है धुआं मारने लग जाता है। तो गाइस इसका जो मेन और डायरेक्टली सॉल्यूशन वही है कि आपका जो है हमने पीसीबी फिल्टर को जो है टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं करवाया। पीसीबी फिल्टर जो है गाइस हमारी गाड़ी के जो टाइमिंग साइड पे लगा हुआ होता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के वीडियो में अपना जो टाइमिंग है उस साइड पे लगा हुआ होता है। अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं कराओगे और अगर ऐसे ही चलाओगे तो क्या होगा, आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बैक कंप्रेशन मारने लग जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है ख़राब हो जाएगा। बेसिकली गाइस पीसीबी फिल्टर का मेन पर्पज़ क्या होता है, जैसे कि मान लो ये अपनी कार का इंजन है, और कार का इंजन जब गाड़ी चलाओगे तो वो रनिंग करेगा, रनिंग करने के क्या उस पर क्या होगा कि हमारी गाड़ी के इंजन के अंदर जो है प्रेशर बिल्डअप होता है, अंदर में जो है बहुत सारे गैसेस होते हैं, प्रेशर जो है एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो गाइस पीसीबी फिल्टर का काम ये होता है कि अपना जो इंजन के अंदर जितने भी गैसेस भरे हुए हैं उसको जो है वो आउट कर दे, मतलब कि एग्जॉस्ट साइड से निकाल दे। लेकिन गाइस होता है कि एक्चुअल में कि अगर आप टाइम टू टाइम पीसीबी फिल्टर, जैसे कि पीसीबी फिल्टर अगर आप टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं कराओगे तो क्या होगा, आपका जो फिल्टर है वो जो है चोक हो जाएगा, और इस कंडीशन पर क्या होगा पीसीबी फिल्टर चोक हो जाता है अगर, तो क्या होगा जितने भी गैस आपके जो गाड़ी के अंदर बन रहे हैं, चाहे वो प्रेशर हो, जो भी प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, और वो क्या होगा कहीं से भी निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि पीसीबी फिल्टर जो ब्लॉक हो चुका है अब वो क्या करेगा प्रेशर जो है कहीं से भी निकालेगा। इससे क्या होगा गाइस, ये आपका जो है डायरेक्टली पिस्टन रिंग पे जो है डायरेक्टली इफेक्ट करता है। उससे क्या होता है आपका जो अंदर के जितने भी प्रेशर है वो आपको जो है ऑयल डिपस्टिक से देखने को मिलेगा, और जहाँ पे आप अपना ऑयल फिल करते हो आपको वहाँ से जो है ये प्रेशर वगैरह जो है धुआं वगैरह ऑयल वगैरह आपको जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर इन केस अगर आप इसको टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं कराते हो तो क्या होगा आपकी गाड़ी का जो है इस टाइम इसी केस पे आप चलाते रहोगे तो क्या होगा पूरा प्रेशर जो है बहुत गंदा बिल्ड हो जाएगा, और क्या होगा पूरा आपके जो गाड़ी का जो पिस्टन और पिस्टन रिंग को जो है ये डैमेज कर देगा। सो गाइस अब बताता हूँ कि इसको जो है आपको रिप्लेस कब कब कराना चाहिए। सो गाइस बेसिकली जो कंपनी तो उसको बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप इसको जो 20,000 किलोमीटर पर चेंज कराओ, लेकिन गाइस मैं बताता हूँ आपको जो 20,000 किलोमीटर नहीं, आपको जो हर 10,000 किलोमीटर पर जो है इस पीसीबी फिल्टर को चेंज करा देना चाहिए। गाइस इसका कॉस्ट जो है ज़्यादा नहीं होता, लगभग वही 500-600 रुपये के आसपास रहता है, लेकिन गाइस क्या होता है बहुत मैकेनिक्स लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते। जब भी अगर आप अपना कार सर्विस कराना चाहते हैं उन लोग क्या करते हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, एसी फिल्टर और ऑयल, ये पांचों चीज़ रिप्लेस करके आपको दे देते हैं, लेकिन लोग जो है पीसीबी फिल्टर पे ध्यान नहीं देते, और उन लोग ध्यान कब देते हैं जब गाड़ी का जो इंजन है पूरा डैमेज हो चुका होता है। तो वैसे आप लोगों ने बहुत लोगों से ये सुना होगा शेवरलेट बीट का जो डीजल इंजन है वो उतना सक्सेस नहीं है, तो इसमें आपको ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं है वो बोलते हैं, क्योंकि उन लोग जो है गाइस पीसीबी फिल्टर पे ध्यान नहीं देते, टाइम टू टाइम जो है पीसीबी फिल्टर वगैरह जो इन लोग रिप्लेस नहीं कराते, तो इससे क्या होता है इंजन जो है डैमेज हो जाता है। और जब उन लोग ध्यान जब देते हैं, जब जो इंजन जो है पीसीबी फिल्टर खराब पीसीबी फिल्टर जो है अपने गाड़ी के इंजन को जो है टोटली डैमेज कर बैठता है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि गाड़ी का इंजन जो है रिलायबल नहीं है, गाड़ी का इंजन जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है, बीट डीजल खराब है। तो गाइस खराब बिल्कुल नहीं है, आप टाइम टू टाइम पीसीबी फिल्टर चेंज कराओ, आपकी गाड़ी लगभग 2,00,000 किलोमीटर क्यों नहीं चलेगा वो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप टाइम टू टाइम पीसीबी फिल्टर अगर चेंज कराओगे तो आपका गाड़ी के इंजन में जो है कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस मेरे को यही क्लियर करना था कि पीसीबी फिल्टर टाइम से चेंज करा दो। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना। थैंक यू।